प्रिय दर्शकों, आपने अब तक इस कहानी के पहले भाग में सुना था कि स्टेफानिया का बिहेवियर न जाने क्यों कुछ दिनों से एकदम बदल चुका था, जिसके कारण उसकी सेहत बहुत ज़्यादा खराब होती चली जा रही थी और एक दिन अचानक हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। मौत के कुछ दिनों बाद एक दिन जब कमरे का द्वार ओपन किया जाता है तो उस कमरे का अजीबोगरीब दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफी डर जाते हैं। अब आगे, ममा करती किसी की एक दर्द भरी आवाज उस कमरे में सुनाई दे रही थी और फिर अचानक एक ठंडी हवा का एहसास होने लगा। दीवारों पर नाखूनों के निशान फिर से दिखाई दे रहे थे। कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। जीसस की तस्वीर उल्टी हो गई थी। कमरे में तो सिर्फ एक ही द्वार था। पिछली बार खिड़की और दरवाज़ा तो अच्छे से बंद किया गया था, परंतु कमरे की ऐसी हालत देखकर सभी लोग फौरन बाहर आ जाते हैं और कमरे के द्वार को अच्छी तरह से बंद कर देते हैं। मौत के लगभग 15 दिनों बाद स्टेफानिया के कॉलेज से कुछ टीचर्स आती हैं उसके घर पे और वे कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हैं जो स्टेफानिया के साथ करीब 6 महीने पहले घटित हुआ था। आखिर वो कौन सी बातें बताना चाहती थी स्टेफानिया के परिवार से? क्या उन टीचर्स को स्टेफानिया की मौत की वजह मालूम थी या फिर कुछ और? दोस्तों, इस कहानी का नेक्स्ट भाग आप जरूर देखें। वीडियो जल्द ही जारी होगी और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। यदि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।